Assalam-o-Allikum to my all viewers. Welcome to a new recipe video. आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी सिंपल चिकन पुलाव की रेसिपी. तो सबसे पहले आप अज्जा नोट कर लें. 3 पाव मेरे पास चिकन है, 1.5 चम्मच काली मिर्चें हैं, मिक्स गरम मसाले में मेरे पास दालचीनी है, 2 अदद मोटी इलायची, 1 मेरे पास बादियान का फूल और 6-7 लौंग हैं, 1 चम्मच चिकन पाउडर. अगर चिकन पाउडर नहीं है तो क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं. 8 से 10 अदद हरी मिर्चें, 1 चम्मच ज़ीरा, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक हसबे ज़ायका, ऑयल 1 कप, 3 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं और 5 अदद टमाटर. 3 पाव मेरे पास चावल है और ये सेला है, तो मैंने 3 घंटे पहले इसे भिगोया हुआ था. तो चलें अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे. ऑयल हमारा गरम हो गया है तो इसमें अब हम प्याज डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे. जब प्याज ब्राउन होने स्टार्ट होगी तो इसमें हम अदरक लहसुन भी शामिल करके और इन दोनों को एक साथ फ्राई करेंगे. देखें प्याज हमारी ब्राउन होना स्टार्ट हो चुकी है, तो इसमें अब हम अदरक लहसुन शामिल करेंगे. अदरक लहसुन फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी. एक 2 मिनट इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह भूनने के बाद अब मैं इसमें चिकन शामिल करूंगी और चिकन के साथ इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे कि चिकन हमारी अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो जाए. देखें चिकन का कलर चेंज हो गया है, लेकिन अभी हम इसे और भुनेंगे. चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह भुन गया है और इसका कलर टोटली चेंज हो गया है. तो अब हम इसमें काली मिर्चें, चिकन पाउडर, टमाटर और नमक डालकर इसे अच्छी तरह भूनेंगे. चिकन को हमने टमाटरों और मसालों के साथ अच्छी तरह भून लिया है, तो अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे और 1/2 कप पानी इसमें ऐड करके इसे हम 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे कि चिकन हमारी हाफ डन हो जाए और जो टमाटर है वो गल जाए. हो चुके हैं, हमारी चिकन हाफ डन हो गई है और टमाटर गल गए हैं, तो अब हम टमाटरों को पीस लेते हैं और फ्लेम को हम मीडियम कर लेते हैं. साथ साथ हम इसे भूनेंगे भी. अच्छी तरह चिकन को भूनने के बाद अब हम इसमें पानी डालते हैं. इस बाउल के यहाँ तक 1 पाव होता है. मैंने 3 पाव चावल लिए थे, यानी कि 3 कटोरी ये चावल थे, तो जितने चावल थे उसका डबल हम पानी डालते हैं, यानी मैं 6 कटोरी पानी डालूंगी.
अब हम इसे कवर करके बॉयल आने का वेट करेंगे। बॉयल आ चुका है तो अब हम इसमें चावल डालेंगे और चम्मच हिलाकर इसे कवर कर देंगे कि चावलों में अब बॉयल आ जाए। चावलों में बॉयल आ चुका है तो हम इस पॉइंट पे इसमें नमक चेक करेंगे। इस वक्त इसमें नॉर्मल से हल्का सा तेज़ नमक होना चाहिए, वरना फिर जब हम दम देंगे तो उसके बाद नमक कम हो जाएगा, यानी कि चावल फीके होंगे। अब हम कवर करके पानी खुश होने का वेट करेंगे। पानी खुश्क हो चुका है तो अब हम इसे दम दे देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए, जब तक हम अपने मिनी शेफ से बात करते हैं। मम्मा, मम्मा क्या बना रही हैं? मम्मा मैं थोड़ा सा चेक कर लूं? ओ मम्मा मुझे भूख लगी है। हाँ तो जल्दी बनाना मम्मा, सबर नहीं हो रहा। मम्मा सबको हेलो कर दो ऐसे। बीस मिनट हो चुके हैं, अब आप फ्लेम को बंद कर दें और चावलों को अच्छी तरह मिक्स करें ताकि हीट रिलीज हो और इनका कुकिंग टाइम स्टॉप हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का चिकन पुलाव रेडी हो चुका है और हमारे मिनी शेफ से बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा। तो चलें आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। If you guys like my video, please subscribe my channel and also press the bell icon.